देखो रिजर्वेशन जो था ये 22.5% ही क्यों मिला? डॉक्टर अंबेडकर साहब 22.5% ही क्यों दिलवा पाए? 50% क्यों नहीं दिलवा पाए? 15% क्यों नहीं दिया? 10 क्यों नहीं दिया? इसका रीजन है, इसका बहुत खास रीजन है। ये कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब के बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। उसमें ये डिसाइड हुआ था सितंबर 1932 के अंदर, रिजर्वेशन का मसौदा आगे बना था लेकिन ये डिसीजन हुआ था सितंबर 1932 में पूना की यरबदा जेल में। उसमें ये डिसाइड हुआ था जब गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए थे, जब हमें कम्युनल अवार्ड डॉक्टर अम्बेडकर साहब को जो माँ के जो वायसराय थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे लंदन के, उनके यहाँ से कम्युनल अवार्ड हासिल हुआ था सेकंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस में। तो फिर उसमें वो कम्युनल अवार्ड के लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए, उसमें कुछ चीज़ें थी वो कभी मैं डिटेल में फिर बताऊंगा। तो वो कम्युनल अवार्ड के लिए तैयार नहीं हुए कि ऐसा मैं इस देश में नहीं होने दूंगा, और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यरबदा जेल में थे उस वक्त, तो वहीं पूना में बैठ गए और वो 18 दिन तक बैठे रहे, और 18वें दिन फिर बीच का रास्ता निकाला गया और उसमें एक पैक्ट हुआ जिसे हम पूना पैक्ट का नाम देते हैं, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने खुद पूना पैक्ट अपने हाथ से लिखा है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी की फोटोकॉपी मेरे पास है आज भी, जिसमें उस पूना पैक्ट पे बाबा साहब ने सबसे ऊपर साइन किया था, फिर मदन मोहन मालवीय के, सरदार पटेल के, गांधी नेहरू जी के, काफ़ी बाद में 68 नेताओं ने उस पर साइन किए थे उस वक्त। तो वो रिजर्वेशन उसमें ये डिसाइड किया गया कि देखो कम्युनल अवार्ड तो नहीं, हम ऐसा करते हैं कि आपके जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन की सीटें रखेंगे। और राज्यसभा में तो रखा नहीं गया था, वो क्यों नहीं रखा गया था उसका मुझे डिटेल कभी मिला नहीं है कि उसका रीजन क्या रहा था कि राज्यसभा में हमारा रिजर्वेशन नहीं है और नौकरियों में रिजर्वेशन रहेगा। तो नौकरियों में हमारा 22.5% इसलिए रहा था कि उस वक्त पॉपुलेशन हमारी शेड्यूल कास्ट की 15% थी और शेड्यूल ट्राइब की 7.5% थी, तो ये मिला के 22.5% कुल हो जाता है। तो 22.5% रिजर्वेशन इसलिए रखा था, जो कि चीज़ हमारे समाज के लोगों को पता नहीं है कि 22.5% रिजर्वेशन ही क्यों रखा गया, ये तक पता नहीं है। लेकिन अभी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 22-23% शेड्यूल कास्ट की ही हो गई है, शेड्यूल ट्राइब की परसेंटेज बल्कि कम हो गई है, और शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, शेड्यूल ट्राइब की परसेंटेज कम हो गई है शेड्यूल ट्राइब की। तो उस हिसाब से अब रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का बल्कि बढ़ना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से रखा गया था। और ये रिजर्वेशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए रखा गया था, नौकरी का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोविजन किया था, और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए रखा गया था, बाबा साहब ने 10 साल को रखा था कि 10 साल के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज ऊपर आ जाएगा और देश में डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया तो वो 10-10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। और जब आपने देखा होगा जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो मेरा ऐसा मानना है कि देश से खत्म ही होना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए था, ये बाबा साहब कह गए थे 10 साल के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था। और ये 70 साल तक क्यों चल रहा है, नेताओं की क्या मंशा है, मेरी से बाहर है। मैंने बाबा साहब का जितना लिटरेचर पढ़ा है उसमें मुझे कहीं एक शब्द ऐसा मिला नहीं है कि 10 साल के बाद भी हमारा रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। और इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमारे समाज को कोई फायदा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारे समाज के पॉलिटिशियन समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अभी 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, कुछ राज्यसभा में भी हैं 4-6, लेकिन वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए बताओ, टोटल क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, कोई एक ऐसा काम बताओ जिन्होंने कि किसी तरह का कोई ऐसा काम किया हो। और सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसका पीरियड अनलिमिटेड है, उसका कोई पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड नहीं है। तो ये बड़ा भारी कन्फ्यूजन है, जब 10 साल के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड करते हैं, 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन जैसे ही ख़त्म होता है तो वो एक हल्ला कटता है, अरे फिर इनका 10 साल बढ़ा दिया, अरे फिर 10 साल बढ़ा दिया रिजर्वेशन, ये ख़त्म तो करने रहे फिर इनका 10 साल बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज कन्फ्यूजिंग। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन अलग है और नौकरियों का रिजर्वेशन अलग है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो हमारे पूरे समाज की राय है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन कल खत्म होता हो तो आज ही खत्म होना चाहिए, इससे हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान है, इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और उससे हमारे समाज को कोई फायदा नहीं है। हमारे समाज के नेता समाज के लिए एक भी काम डॉक्टर अम्बेडकर के बाद किसी भी हमारे नेता ने कुछ नहीं किया है। अब रहा रिजर्वेशन की बात, ये चल गया रिजर्वेशन, अब आप बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि हमारा रिजर्व प्रमोशन में रिजर्वेशन। देखिए
हमारी मान लो 100 में 18 सीट हमें मिलती हैं या 20 सीट हमें, 22.5 सीट मिलती हैं, 20 सीट मिलती हैं सपोज, ठीक सीधा सीधा करिए, तो हमारी 100 नौकरी लगी जिसमें 20 नौकरियां हमें मिली, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिली। तो अब जैसे 100 लोगों का प्रमोशन होगा, तो हमारे 20 लोगों का प्रमोशन अगर रिजर्वेशन से नहीं होगा तो हम तो पीछे लैगिंग बिहाइंड हो जाएंगे, हम तो पीछे चले जाएंगे, हमारा तो डिमोशन हो जाएगा और उनका प्रमोशन हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे और हमारा डिमोशन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि हम रिजर्व सीट से आए तो हमारी रिजर्व सीट में प्रमोशन जब भी रिजर्व, मान लो 5 निकलें तो हमारा 1 सीट बनती है सपोज 20% से, तो हमारा 1 रिजर्वेशन से जाना चाहिए आगे को, आदमी जाना नहीं चाहेगा तो हमारा डिमोशन होता रहेगा। तो ये प्रमोशन में रिजर्वेशन तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अंडरस्टूड है, और इसको कैसे ले आए, ख़त्म कर, कैसे किस लेवल पे ख़त्म कर दिया गया, ये वाजपेयी साहब की जब गारंटी थी, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये उस वक्त शायद ख़त्म किया गया था। और क्यों किया गया था, किस कंडीशन में किया गया था, बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है। एनीवे, तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल में, ये रिजर्वेशन जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है ये हमारा चलना ही चाहिए। सर ये तो आज कह रहे हैं कि संविधान भी खतरे में है और ये जो रिजर्वेशन है ये भी खतरे में है, क्योंकि आज अधिकतर डिपार्टमेंट प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप ही ख़त्म होता जा रहा है। वो ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ऐसा है, वो रिजर्वेशन जो है ऐसे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये दूसरे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है बेसिकली, क्योंकि देखिए सरकारी जो इंस्टीट्यूशन हैं उसमें वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही, वैकेंसी जब क्रिएट नहीं हो रही और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है सभी की, जनरल की भी हमारी, मैं कोई सिर्फ हम, मैं शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा, लेकिन और भी यूथ है जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, देश के अंदर नौकरी नहीं मिले, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। और फिर एक सरकार एक काम और क्या कर रही है, हमारे डॉक्टरों का किया है, 65 साल उम्र बढ़ा दी, कौन सरकार को सलाह दे रहा है इस तरह की, आई डोंट नो, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे बताइए 60 साल की उम्र से 65 साल उम्र कर दी डॉक्टरों की, 5 साल के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड, मतलब कितने लोग बेरोजगार नहीं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो ओवर एज हो जाएंगे, 5 साल के अंदर बच्चे जब ओवर एज हो गए तो उनको तो सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है, किसी भी जात धर्म के हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, किसी जात धर्म में नहीं जा रहा हूँ, यूथ को और समाज में देश को नौकरी मिलनी चाहिए, सभी को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, तो वो यूथ तो लैगिंग बिहाइंड हो जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर वो छोटे मोटे काम करेगा, फिर हमारे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कैसे। तो एज बढ़ाना तो एक बहुत गलत काम है, किसी भी कैडर की एज तो बढ़नी नहीं चाहिए, कोई भी कैडर हो, चपरासी से लेकर ऊपर तक कोई कैडर हो, 60 साल एज सफिशेंट है, बल्कि 58 कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा पीछे जो भाई हमारा जब क्रिएशन नहीं हो रहा है पोस्ट का, तो फिर हम कैसे नौकरी देंगे बच्चों को, कैसे हमारी आने वाली जनरेशन जो पीछे से है उसको हम कैसे नौकरी दे पाएंगे, इसीलिए ऐसे दे पाएंगे कि भाई जब रिटायर नहीं होंगे पोस्ट निकलेंगी नहीं, जब पोस्ट निकलेंगे नहीं नौकरी मिलेंगी नहीं, और पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो जब आप क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लोगों को टाइम से रिटायर हो जाने दीजिए, तो वो सीट खाली हो जाएंगी, तो आगे आने वाली पीछे जनरेशन को नौकरियाँ मिल सकती हैं और लाखों लाखों में नौकरियाँ मिल सकती हैं और लाखों लाखों बच्चे लाखों लाखों यूथ नौकरी पर आ सकते हैं। तो वो एज बढ़ाना भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है, मुझे तो लगता नहीं है, और मैं तो 65 साल तक नौकरी करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी सीट छोड़ के जाऊँगा, मैं रिजाइन करके जाऊँगा, और जिससे कि मेरी एक सीट जो पीछे आने वाला कोई भाई है उसको मिले, हमने कर ली, हमारा हो गया, हम अपने जो पेंशन मिलेगी हम उसी से काम चलाएंगे और अपने बच्चों को उसी से करेंगे, उतने में ही संतोष रखेंगे। हम नौकरी करके भी कोई महल नहीं बना सकते, हम नौकरी करके भी कोई एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हमको करना क्या है, हमारा इतना सफिशिएंट है। तो हमको सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि जब रिजर्वेशन की जब बात आती है, अगर कहीं किसी तरीके का कोई अनहोनी हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि अब रिजर्वेशन से आया होगा। आज मैक्स हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आप डॉक्टर हैं तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आज उन पर कोई भी मीडिया या मतलब मेरे जैसे कोई भाई ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा, अभी आज जो कांड हुआ ये क्या रिजर्वेशन से थे? वो रिजर्वेशन के नहीं थे दोनों डॉक्टर जिन्होंने डिक्लेयर मृत कर दिया था, वो ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन एरर है। मैं ऐसा कोई इसमें रिजर्व नॉन रिजर्व की बात नहीं ज़्यादा जाना चाहूँगा, वो डॉक्टर
किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, वो रिजर्व के डॉक्टर नहीं थे बेसिकली बेशक, लेकिन वो ह्यूमन एरर है, वो हो गई उनसे डॉक्टरों से, वो एरर रिजर्व के डॉक्टरों से भी हो सकती है, वो एरर नॉन रिजर्व के डॉक्टरों से भी हो सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप अपने डिपार्टमेंट की एक फेवर कर रहे हैं, और इस तरीके का फेवर जिस समय उन्होंने उस बच्चे को डिक्लेयर कराया सर, उसके परिवार के साथ में और उसके पूरे समाज के साथ में किस तरीके से एक हादसा बीता होगा। डॉक्टरों ने कह दिया भी आपका बच्चा मृत हो गया, तो और जो रोआ पीटन मच गई थी। अगर इसी काम को अगर कोई रिजर्व डॉक्टर कर देता तो सर आज उसकी नौकरी नहीं बचती। नहीं वो तो ठीक है, नौकरी तो उनकी भी नहीं बची है, आपको मालूम होना चाहिए। उन दोनों डॉक्टरों को उस हॉस्पिटल ने पहले ही मुअत्तल कर दिया था, उस उनको सस्पेंड कर दिया था, नौकरी तो उनकी भी नहीं बची, और रिजर्व का होता उसकी भी नहीं बचती। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर उठता देश में, इस पर डिबेट शुरू हो जाती कि ये डॉक्टर ना रिजर्व सीट से आए थे, रिजर्वेशन से पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन से पढ़े लिखे लोगों के द्वारा क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ वर्क में किसी भी डिपार्टमेंट में, ये तो आंकड़े हैं सरकार के, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। बल्कि कहते हैं कि रिजर्व सीट से जो बच्चे आते हैं, जो लोग आते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनकी वजह से डिपार्टमेंट में वो बहुत सिंसियर होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, और उन पर डिसऑनेस्टी का कोई चार्ज नहीं लगा। आप देख लो देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, हमारा शेड्यूल कास्ट का उनमें एक भी नहीं निकला। किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह का करप्शन हो, हमारा कोई फंसता ही नहीं, हमारा कोई करप्शन करता ही नहीं है, ना 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 हमारे आदमी को इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, सिर्फ अपनी जीविका चलानी है, अपने बच्चों को पालना है ईमानदारी के साथ। तो हमारे रिजर्व के लोग ज़्यादातर जगह सारे डिपार्टमेंटों में वो ऑनेस्टी से काम करते हैं, सिंसियरिटी से काम करते हैं, और बड़े डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, इसलिए उन पर कोई चार्ज ऐसा फ्रेम नहीं होता, लगता नहीं है। और वो हम दो जगह मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, एक बार 5 मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेल में एक साथ चले गए थे, और शेड्यूल कास्ट का एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेल में नहीं गया अभी तक, तो ऐसा क्यों? तो इसीलिए इसका यही मतलब है कि वो सिंसियरली ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से काम करते हैं अपना, और करप्शन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जो सैलरी मिल रहा होता है सरकार की तरफ से उसी से वो अपना गुजारा चला लेते हैं, और अच्छा गुजारा चला लेते हैं।